हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मैं चांदनी चौक गई थी रिंग लाइट लेने के लिए, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए हैं ये नोवा की रिंग लाइट। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, वारंटी गारंटी वारंटी सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खोलने वाले हैं रिंग लाइट, या फिर रिंग लाइट बाद में खोलेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राईपोड की। तो सबसे पहले तो हमने नोवा की रिंग लाइट लिया, जिसके साथ में ये ट्राईपोड आया है इस तरीके के बॉक्स में, और इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू फोटोमैक्स लाइट स्टैंड, बस और कुछ इस पर लिखा नहीं है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसको मैं खोल के देखूँ तो काफ़ी हैवी है, मतलब इसका बिल्ड क्वालिटी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो हाइट है वो जाएगी 9 फीट तक। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये हमारा ट्राइपॉड है, तो काम में काफ़ी लाइट वेटेड है, लेकिन जब आप इस पर रिंग लाइट लगाओगे तो ये इधर उधर गिरेगा नहीं, तो ठीक है। रिंग लाइट के हिसाब से समय देखो, तो ये वाला जो ट्राइपॉड है ये 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। कैसे है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप जब इसका पहला वाला स्टिक खोलोगे तो इसकी पहले वाली स्टिक आराम से ऊपर आ जाएगी, फिर उसके बाद आप जब इसका सेकेंड वाला स्टिक खोलोगे तो इसकी सेकेंड वाला जो इससे ज़्यादा थिक है, इससे अगर कंपेयर करोगे तो नीचे वाला जो इसका सेंसिटिव है थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, तो ये ऐसे पूरा 9 फीट तक खुल जाता है। काफ़ी ऊपर से लग रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है, 9 फीट तक खुल जाएगा। और फिर इसको खोलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप इसको फिर बंद कर, मतलब जितनी हाइट पर चाहिए उधर ला के आप इसको अच्छे से बंद कर दो। मेरे को तो उससे चाहिए नहीं, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसका फर्स्ट वाला क्लिप छोटा रख सकते हो, चाहो तो आप इसका सेकंड वाला छोटा रख सकते हो। थर्ड क्लिप का क्या काम है, थर्ड क्लिप आप खोलोगे उसके बाद आपको जो ट्राइपॉड स्टैंड बनाना है इसको आप इसको आराम से प्यार से खोल सकते हो। जब तक आपको लगे, जब आपको लगे कि अभी स्टेबल हो गया रुकेगा नहीं, इसको आप लॉक कर दो। अब ये हमारा ट्राइपॉड बन के रेडी हो चुका है। इसकी क्लिप्स के लिए मैं बता दूँ, अगर आप इसकी क्लिप्स देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, काफ़ी टाइट है और अच्छे से ये यूज़ हो सकता है और जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी रिंग लाइट की। तो रिंग लाइट का बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और इसके अंदर फिलहाल सब कुछ लिखा हुआ है, आइडियल फॉर योर यूट्यूब मेकअप फिनिशिंग एंड रियल आर्टिस्ट फोटो वीडियो शूट। इसके अंदर सारी डिटेल्स पीछे दी हुई है, जैसे ऑन ऑफ लाइट डिस्प्ले दिखा सकते हैं, 2700 टू 5600 के कलर टेम्परेचर रेंज है इसके अंदर, कलर ब्लैक है, प्रोफेशनल रिंग लाइट है, 65 वॉट की ये रिंग लाइट है, और इसके साथ में स्टेपलेस एडजस्टमेंट भी है, वो आप सब कर सकते हो। डायमेंशन नेट वेट इसका है 1.8 kg, टोटल का जो पूरा वेट है वो 1.8 kg है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिया में ही बनी हुई है, असेंबल्ड इंडिया में है, लेकिन जो इसका डिज़ाइनिंग है वो जापान में हुआ है। पीछे आपका जो इस पर MRP दिया हुआ है, जो इसके पीछे आपका MRP है वो है 8,375 रुपीज़, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस हम आपको बताते हैं वीडियो के एंड में। तो चलिए अब इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। कैरी करने में ये अगर आप ऐसे लेकर जाते हो बहुत इजीली इसको कैरी कर सकते हो। फिर इसको हम अनबॉक्स कर देते हैं, और बॉक्स में हमारा निकलेगा कुछ इस तरीके का बैग, इस तरीके की कुछ बैग में ये आई निशान वाली है, तो ये इसका बैग होल्डर काफ़ी पोर्टेबल है, अगर आपको कहीं लेकर जाने हैं आप इसको काफ़ी प्यार से ले जा सकते हो। ट्राइपॉड तो ऐसे काफ़ी छोटा हो जाता है, तो गाड़ी वाड़ी में कैरी करना ईजी होता है, ठीक है। टू साइडेड जिस है इसके अंदर, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे और ये आती है बबल रैप, इनकेस अगर आप इसको सेट करते करते बोर हो जाते हो, आपको थोड़ा सा टाइम ब्रेक चाहिए, टाइम आउट चाहिए, तो आप इसका बबल रैप निकाल सकते हो और उसको पॉप कर सकते हो। बट आगे बढ़ते हुए इसके साथ में एक ये बॉक्स आता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर आता है हमारा एक फ़ोन होल्डर, उसके बाद हमारा आता है केबल, जो ऑब्वियस ही बात है रिंग लाइट में लगने वाला है, उसके बाद हमारा आता है रिमोट। रिमोट का क्या यूज़ है ये भी हम आपको बताते हैं, और उसके साथ में आता है नोवा का ये मैनुअल, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, और इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं आपको सब बताने वाली हूँ। हमारी रिंग लाइट जो काफ़ी ज़्यादा
हैवी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1.8 kg ऑलरेडी बता चुकी हूँ पूरा उसका वेट है। तो ये हमारी है रिंग लाइट। अब रिंग लाइट के अंदर क्या खासियत है पहले हम आपको, सबसे पहले आप लोग रिंग लाइट देख लीजिए फ्रंट से, तो फ्रंट से ही कुछ इस तरीके से दिख रही है। फिर अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में इसका ब्रांडिंग लेबल आ जाता है, साथ में ये दो पोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये बैटरी ऑपरेटेड है। अगर आप चाहो तो इसको बाहर ले जाना चाहते हो जहाँ पे स्विच बोर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की बैटरी लगा सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है टेम्परेचर सेट करने के लिए डिस्प्ले मिल जाती है, तो ये जो आपका कलर टेम्परेचर सेट करेगा, और ये आपका पावर बटन है, प्लस ये आपका लाइट चेंजिंग बटन भी है। तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इससे आपका कलर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इसको आप पुश करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, पुश करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, रोटेट करेंगे तो कलर्स चेंज हो जाएंगे, और जो भी टेम्परेचर और कलर्स आएंगे वो आपको इस डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमारी ये रिंग लाइट है जिसको हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये पोर्ट दिया हुआ है इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ से टाइट कर देना। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे इसका स्क्रू दिया हुआ है और कितना अच्छी क्वालिटी का है, आपको जितना टाइट करना आप उतना टाइट कर सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे कि ये अगर आपको रोटेट करनी है तो रोटेट भी इजीली हो जाएगी। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि रोटेट ज़्यादा करना मत, क्योंकि फिर इसके स्क्रूज वगैरह लूज हो जाते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा हमें एक स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है। इसका क्या काम है बड़े वाले का, इसका काम है कि आपकी रिंग लाइट को मूव करने में काम आएगा। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आप इसको यहाँ पे टाइट कर दो, ये टाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको करना है तो ये यहाँ पर टाइट कर दो, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है, होल्डर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर दो होल्डर इस तरीके से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इधर एक ही क्लिप दी हुई है, ये क्लिप को इस स्लॉट के अंदर फंसाना है, इस वाले स्लॉट के अंदर कुछ इस तरीके से आप फंसाओगे। पहले इसको थोड़ा टाइट कर लेना जो ऊपर रिंग दी हुई है, फिर इधर स्पेस बन जाएगा, इसको आप इस तरीके से फंसा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हमारा ये होल्डर है, उसको इसके ऊपर आपने लगाना है। अगर आप चाहो, आप ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह बनाते हो तो आप इस होल्डर को इस तरीके से रख सकते हो, अगर आप ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो तो आप इसको इधर से लगा सकते हो। इसके दोनों साइड पे नट्स दिए हुए हैं, तो इसको आप, हम फिलहाल ऐसे लगा रहे हैं, इधर से इसको घुमा घुमा के। एक यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है जिसको आप इसको घुमा के टाइट एंड लूज कर सकते हो, तो यहाँ से ये भी स्टेबल हो जाएगा। और इसको लगाने के बाद आपको ये याद रखना है कि इसको यहाँ से टाइट करना मत भूलना, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको घुमा के आप टाइट एंड लूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये वायर है, तो ये वायर कहाँ लगेगी हम वो भी आपको बताते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे बैटरी स्लॉट्स दिए हुए, अगर आपको बैटरी से ऑपरेट करना है तो वो कर सकते हो। यहाँ पे वाली जो आप बैटरी लगाओगे कम से कम आपको मार्केट में मिल जाएगी 600-800 की, और अगर आपको नहीं लगानी है तो ये वायर दी हुई है, ये आप स्विच बोर्ड में लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हो। बाद में आपको वायर दिखेगी कुछ इस तरीके से, और ये वायर लगेगी इसके नीचे, यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, वायर जाएगी इसके अंदर और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये प्लग इन कर सकते हो आप स्विच बोर्ड में। और इसके साथ में एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप ये फ़ोन होल्डर यहाँ नहीं लगाना चाहते तो आप ये ऊपर लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो तीन तीन स्लॉट्स आपको दिए हुए हैं ये फ़ोन होल्डर लगाने के लिए, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको वहाँ पे लगा सकते हो। प्लग इन कर दिया वायर को, अब इसको करते हैं चालू। इसे सब ये आप देख सकते हो पूरा सेट हो गया है। तो ये है इसका पावर बटन, यहाँ से आप इसको पुश करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, उसके बाद आप इसको रोटेट करोगे तो लाइट धीरे धीरे चेंज होना चालू हो जाएगी, और आपको यहाँ पे भी सब दिखेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं लाइट में। यहाँ पे इसका टेम्परेचर सेट हो रहा है और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। अभी मेरे रूम की कोई भी लाइट ऑन नहीं है, सारी लाइट्स ऑफ है अभी। तो इसके अंदर तीन कलर्स है, जो है वॉर्म वाइट, नेचुरल कलर एंड येलो लाइट। तो अभी हम वो तीनों चेंज करके देखते हैं। ये इसका रिमोट है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑपरेटर्स दिए हुए, जो भी बटन है ज़्यादा नहीं है, इतने से ही है। पीछे से ये इसका बैटरी स्लॉट है जिसके अंदर बैटरी नहीं है, तो इसके अंदर हम सेल डाल देते हैं। और इसके अंदर जो सेल लगेंगे वो है अलादीन के खजाने से निकालने पड़ेंगे, ड्योरा सेल के, ये पतले वाले पेंसिल सेल्स जिसको बोलते हैं, अगर कुछ और भी बोलते हैं तो मुझे बता देना। जहाँ तक मैं इसके रिमोट की बात करूँ, मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक बार गिराऊंगी, क्योंकि मेरे हाथों से चीज़ें बहुत ज़्यादा छूटती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको भी गिराऊंगी और ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल
ये इसके अंदर हमने सेल्स डाल दिए। अब इसमें ऑपरेट करके देखते हैं क्योंकि मेरा भी ये पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका ऑन ऑफ बटन है, लाइट्स ऑफ हो चुकी है, लाइट्स ऑन हो चुकी है। उसके बाद इसमें ये बल्ब टाइप आइकन दिया हुआ है, इससे क्या होता है, ओ इससे काफ़ी शांत सी कामिंग सी लाइट हो गई है। उसके बाद हम इसका इधर ये चार लाइट्स दी हुई है, मतलब चार बटन्स दिए हुए हैं जिससे आप लाइट अप कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लाइट्स चेंज कर सकते हैं। सेम ये बटन भी इसके लिए ही है, और ये वाला है कि जो आपने सेट किया है उसी पे आप सेव कर सकते हो। तो आप देख सकते हो धीरे 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 इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ये डाउन हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, फील हो रहा होगा शायद, है ना। उसके बाद ये है इसका कलर चेंज हो रहा है, ये येलो से अब वाइट पे आ गई है और ये वापस बैक जाने के लिए दोबारा से येलो पे आ गई है। उसके बाद ये वाले जो तीन बटन्स हैं इसका अलग अलग कलर है, मैंने ये वाला दबाया तो येलो लाइट चालू हो गई, ये वाला दबाया तो वार्म वाइट, और इसके बाद थोड़ा सा ब्लूइश टोन दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद D1 अगेन येलो वाइट ब्लूइश, मतलब वार्म वाइट वाली, है ना। तो इसके यही काम है और ये हम सेव कर देंगे तो इसके बाद चेंज नहीं होगी। तो ये हमारी पूरी लाइट, एक बार मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। मैं अगर मैं बात कर लूँ इसकी प्राइसिंग वगैरह की, जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप चांदनी चौक मार्केट जा रहे हो तो सबसे पहले तो चांदनी चौक मार्केट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। किसी भी तरह की चीज़ आपको डिजिटल में कुछ नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं चांदनी चौक जाओ, आपको इंटीरियर लेना है चांदनी चौक जाओ, आपको कपड़े लेने हैं चांदनी चौक, मतलब आपको जो भी लेना है आपको चांदनी चौक में सब कुछ होलसेल प्राइस पे मिल जाता है। काफ़ी सारी दुकानें होती है जो लिटरली सिर्फ होलसेल में ही देती है, रिटेल में नहीं देती है। बट वहाँ पे जाके आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करो, हर चीज़ की अलग अलग मार्केट बनी हुई है। अगर आपको जैसे लाइट की मार्केट में जाना है तो आप भागीरथ पैलेस जा सकते हो, कपड़ों के उसमें जाना है, लेसिस वगैरह चाहिए, ज्वेलरी चाहिए तो आप किनारी बाजार जा सकते हो। तो ऐसी अलग अलग वहाँ पे मार्केट बनी हुई है। तो फिलहाल हम लोग कैमरा, आप अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको सबसे पहले आप लाल किला उतर सकते हो, और मैं बोलूँगी कि आप चांदनी चौक उतरो तो ज़्यादा बेटर है, चांदनी चौक से ही सारी मार्केट पास पड़ती है। अगर आप गाड़ी से या बाइक से जा रहे हो, अपने कन्वेंस से जा रहे हो, तो आप गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा सकते हो लाल किला की पार्किंग में, वहाँ से आप इधर इजीली आ सकते हो। अगर आप रिक्शा लेना चाहते हो तो रिक्शा वाला 20-20 रुपए लेता है, ज़्यादा दूर होता नहीं है वैसे, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। तो सबसे पहले किसी से भी पूछ लेना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहाँ है या फिर कैमरा मार्केट कहाँ है, वो आपको गली बता देंगे, छोटी सी गली में जाकर है, वहाँ पे आप पूरा एक्सप्लोर करना जो भी आपको चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप एक दुकान में जाओ तो एक दुकान वाला आपको भैया बोला, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम रिंग लाइट लेने के लिए गए थे तो हम पहली वाली दुकान पे गए तो उनके पास पहले तो नोवा का ऑप्शन था ही नहीं, उन्होंने हमें डिजिटेक की बताई जाते ही, जो उन्होंने हमें कुछ बताई थी था 2800 की, कम करते करते वो 2500 पे आ सकते थे। तो डिजिटेक सबसे पहले तो इंडियन ब्रांड नहीं है, वो बाहर का ब्रांड हमें बोल के बेच रहे हैं, तो उसका कोई गारंटी वगैरह वारंटी थी छः महीने की वारंटी थी उसके अंदर। बाकी हम लोगों ने जाते पूछा, भैया हम लोगों को अच्छी चाहिए जो चले, पैसे बेशक थोड़े से ज़्यादा हो जाए पर बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, बजट के अंदर ही रहे। तो उन्होंने हमें दूसरी वाली दिखाना चालू की, बट उसमें भी हम लोगों को उसका या तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, काफ़ी लाइट थी या कुछ भी था। तो हमने एक ही चीज़ को चार बारी जगह पे जाके पूछा, फिर एक अंकल हमें मिले, पहली वीडियो में मैंने उनकी शॉप दिखाई, उन्होंने हमें कंपेयर करके दिखाया डिजिटेक नोवा और एक और ब्रांड था, काफ़ी लोकल ब्रांड था तो वो काफ़ी सस्ती भी थी। तो उन्होंने हमें नोवा की रिंग लाइट बताई थी 3800 रुपीज़ की। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम एक दो जगह और पूछते, क्योंकि हम लोगों को पता है हम चांदनी चौक इतना जा चुके हैं तो हमें पता है कि जो चीज़ एक दुकान पे इतने की मिल रही है वो दूसरी पे इतने इससे कम की मिलेगी, या हो सकती है ज़्यादा की भी मिल जाए। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक्सप्लोर ज़रूर करना। अब मैं इस रिंग लाइट की बात करती हूँ, तो ये नोवा की रिंग लाइट जो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है, सबसे बड़ी बात तो इंडिया में इसकी फैक्ट्रीज है, तो अगर रिंग लाइट को कुछ ख़राब भी होता है, कुछ भी होता है, तो आप इजीली जाके इसको सही करवा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी वारंटी आती है वो है 1 साल की वारंटी, जो मेरे ख्याल से
काफ़ी है ठीक है। एक साल के बाद भी वो अंकल ने हमें बोल के भेजा कि एक साल से काफ़ी ज़्यादा ही चल जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक साल में अगर इसको कुछ होता है तो आप इसको वारंटी में ठीक करवा सकते हो। अगर इसको कुछ होता है, वारंटी में जो चीज़ इंक्लूड होती है वो है ये रिंग, अगर उसकी लाइट में कोई कमी आती है कि अगर वो जलती नहीं या कुछ ऐसा होता है तो वो ही वारंटी में होती है, ट्राइपॉड वगैरह कुछ या फिर अगर कुछ टूट जाता है तो वो वारंटी में नहीं होता है। तो इसी के साथ में हम लाइट चेंज कर लेते हैं। और अगर जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ प्राइसिंग की, तो लास्ट में हम लोगों को ये पड़ी, तो जहाँ पे हम लोग लास्ट में गए थे उन भैया ने भी हमें यही बोला कि 38 उन्होंने हमें बोला था कि 3600 की ये लाइट है, तो हमें लगा वो अंकल हमें 38 की देते, तो वो कम करते करते 35 तक तो आ ही जाते। तो यहाँ पे भाई ने चांस लिया और उसने सीधा बोला 3000 की लाइट दे दो, वो कम कम करते करते 100 रुपये कम करते करते 3000 पे आ गए, तो 800 रुपीज़ हमारे पूरे इस लाइट में कम हो गए। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अच्छे से बार्गेन करना, एक्सप्लोर करना मार्केट को, जहाँ पे आपको सही लगे वही चीज़ लेना और जो आपके दिल को सेटिस्फाई करे वही चीज़ लेना, क्योंकि कभी कभी आप पैसे बढ़ा दो लेकिन चीज़ अच्छी दो। अगर हम चाहते तो डिजिटेक की भी ले सकते थे जो हमें 2800 में मिल जाती, लेकिन 200 रुपये और मिला के हमें कंपनी की पूरे 6 महीने ज़्यादा वारंटी मिल गई, तो हमें नोवा की ले। अब देखते हैं कैसा काम करती है। और इसी के साथ में बस ये वीडियो को खत्म करते हैं, और ये उसके साथ में फिर आपको इसके जैसे अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, मेकअप रील बनाते हो या कुछ भी किसी भी तरह की रील्स बनाते हो, उसके लिए आपको कोई भी एक्सेसरीज चाहिए तो आप चांदनी चौक कैमरा मार्केट ज़रूर जाना, वहाँ पे एक से एक चीज़ें आपको मिल जाती है, जो भी आजकल आप रील्स पे देखते हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो जाके एक बार ट्राई करना। और इसी के साथ में ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पापा दौड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें डीजे टेक की बताई जाते ही, जो उन्होंने हमें कुछ बताई थी, कितने की बताई थी मैं भूल गई, डीजे टेक की। हाँ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या करूँ मैं इसके साथ में, एक सेकंड में देखना ना पूरा तुम्हें दिख लिए, तो जो उसका ऊपर वाला स्टैंड है वो निकल जाएगा, इसका स्टैंड है क्या है ये, करना इजी होगा ठीक है, इधर दिखाओ ऊपर से दिखाओ ना, इसके को शॉर्ट ये फनी। फिर भाई ने बोला कि हम लोग कहीं और चलते हैं, पर फिर हम लोगों ने सोचा कि हम कर लेते हैं। और अगर जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ प्राइसिंग की, इसी वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, और ये उसके साथ में, और अगर आप अलादीन के खजाने से निकालने पड़े डोरा सेल के ये पतले वाले पेंसिल सेल